दीपक में आप पितृ देवता के दर्शन कर सकते हैं। ये आपको इसी रूप में दर्शन देंगे। नाग की आकृति बन सकती है और आप देख ही रहे हैं कि इनके घर में दो पितरों का वास है, क्योंकि दो मुख नाग के बने हुए हैं जो शुरुआत में आपको दिखाई देते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ये पूछते रहते हैं कि हमारे पितरों की संख्या कितनी है, तो कई बार ये संकेत हमारे दीपक में भी आता है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि नाग की आकृति बनेगी, सफ़ेद रूप ज़्यादा रहेगा। जब भी हम पितरों की पूजा करते हैं, खासकर अमावस्या श्राद्ध पक्ष में, तो उनका विशेष आगमन होता है इन दिनों में। और श्राद्ध पक्ष में तो हमारे पास हमारे सात पीढ़ी तक, सात हमारे जो वंशज होते हैं, उन सभी के पितर हमारे घर में भ्रमण करने आते हैं, चाहे हम उनकी पूजा कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं पूजा करता हूँ पितर की और मेरा ही भाई नहीं करता है। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आपको पितर अलग से आशीर्वाद देते हैं, उनसे नाराज रह सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई पितरों की पूजा करे और पितर उनको कुछ ना कुछ आशीर्वाद के रूप में प्रदान ना करें। वो ज़रूर प्रदान करते हैं। जब भी आप उनको बुलाते हैं, विशेष पूजा करते हैं, तो उनका आगमन ज़रूर होता है। हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से पितरों की पूजा की जाती है, इसलिए कोई भी किसी भी वीडियो को देखकर पितरों की पूजा ना करें। जो आपके क्षेत्र में पूजा की जाती है उसकी विशेष जानकारी आपके ही पूर्वज देंगे आपको, तो आप पेन कॉपी लेकर उसको लिख सकते हैं। क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग रूपों से पूजा की जाती है, कोई अलग तरीके से करता है। जैसे हम हरियाणा में रहते हैं, तो हरियाणा में पितरों की विशेष पूजा में कपड़ों का भी दान दिया जाता है, बर्तनों का किया जाता है, धन का दान किया जाता है, अनाज का दान भी किया जाता है, चारा भी गऊ को खिलाया जाता है, उस दिन उस पितर के नाम से भोजन पकाया जाता है, पूजा की जाती है। तो हमारे यहाँ का एक अलग रिवाज है और मैंने कई स्थानों पर देखा, जैसे राजस्थान में अलग रिवाज है। तो आपको किसी भी की वीडियो देखकर उसको फॉलो नहीं करना है। ये इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि आप कोई नई रिवाज ना निकाल कर अपने जो आपके पूर्वज करते हैं उसी को फॉलो करें, आपके लिए आसान और सरल रहेगी और उसी को आप आगे बढ़ाएं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद देंगे। और आपके दीपक में इस तरह की नाग की आकृति बने, सफ़ेद आकृति ज़्यादा बनाई दे, तो बहुत अच्छे संकेत होंगे। और आपने डरना नहीं है। श्राद्ध पक्ष में कई परिवार के घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, तो इसका मतलब आपके घर में पितृ दोष है। उसके लिए आप रामायण का पाठ कर सकते हैं। आप निरंतर जब तक श्राद्ध है रोज एक पाठ करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और जो भी आपके क्षेत्र में किया जाए विशेष जानकारी, उनको आप अटेंड करके करना शुरू करें, आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पूर्वजों द्वारा की गई पूजा, पितरों की, कुल देवता की, नगर खेड़े की, क्षेत्र देवता की, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं। तो जो भी समझदार व्यक्ति है, अपने एक डायरी में ज़रूर लिखे, ताकि आपके आने वाली पीढ़ी को भी वो पता रहे और हर चीज़ को आप एक अच्छी तरह से उनको बता सकें कि आपने ऐसे करना है, इतना दान ज़रूर करना है, इतनी पूजा करनी है, वो ज़रूरी है। तो आपके भी दीपक में ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, यही हमारी शुभकामना है।